तो दोस्तों लाल बाग हम घूम कर आ गए थे और थक गए थे। अभी हम यहाँ 1.5-2 किलोमीटर दूर अपने होटल से शुभ सागर नाम के रेस्टोरेंट में आए हैं नाश्ता करने के लिए शाम का और कॉफ़ी वॉफ़ी पीने के लिए। चलिए अंदर चलते हैं, फिर थोड़ा घूमने निकल जाएंगे, फिर गाड़ी वापस कर देंगे 9:30 बजे तक। दोस्तों हमने मंगवाई थी 30 इडली, इतनी बड़ी साइज़ की इडली होती है ये देखिए, और ये फ़िल्टर कॉफ़ी, ये 45 रुपीज़ की है और ये 15 रुपीज़ की, 15 रुपये की, 60 रुपये टोटल में पड़ा 60। तो मैंगलुरु बाजी तो हम ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए, आज इनके पास भी नहीं है आज। तो चलिए हम इसी काम से आते हैं, खाना शुरू करते हैं अपना। दोस्तों नाश्ता हमारा हो गया है और यहाँ सब चलते हैं थोड़ा घूमने के लिए। हम जा रहे हैं दोस्तों यहाँ की विधानसभा देखने, पहुँचते पहुँचते तो अंधेरा हो ही जाएगा और हम यही चाहते ही हैं, क्योंकि रात को ही देखने में उसमें मज़ा आता है। एक ऑटो वाले ने मुझे बताया था एक बार जब हम आए थे यहाँ पे शुरुआत में, वही हम देखने जा रहे हैं इस समय। उसके बाद डिनर शिनर करेंगे थोड़ा घूमने के बाद, फिर उसके बाद हम अपनी बाइक वापस कर देंगे। हे भगवान, यहाँ के लोग और ही जल्दी में रहते हैं, बच गए। चलिए ये रास्ता बता रहे दोस्तों, 1.5 घंटे लगेंगे लगभग पहुँचने में, अभी हुआ है 6:15। मॉडिफाइड बाइक लग रही है, लग रहा है हमारे होटल की तरफ ही का रास्ता है, वहां से ले जा रहा है। होटल यहीं कहीं आसपास है लेकिन हमें नहीं लगता कि डायरेक्टली वहीं ले जाएगा। ये आपका कॉरपोरेट टाउन है, ये मान्यता टेक पार्क, ये रेसिडेंशियल एरिया भी। बेंगलुरु का आप लगभग हर एरिया समझ लीजिए डेवलप्ड है, आसपास कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएगा, ये खासियत है यहाँ की। जैसे हम ग्रेटर नोएडा पढ़ते थे वहाँ हर तरफ सुविधा नहीं थी हर चीज़ की, यहाँ लेकिन मिल जाता है। इवन दिल्ली में भी आपका बहुत जगह नहीं है, यहाँ लेकिन मिल जाता है। ट्रेड एंड कॉमर्स यहाँ पे बहुत चलता है ना दोस्तों, इसलिए सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया। दोस्तों ये ट्रिप हमारी बहुत यादगार रहेगी, 7 तारीख को पहुंचे थे यहाँ पे, आज हुई है 13 तारीख, 14 यानी कल की तारीख को हम वापस लौट लेंगे। आज गाड़ी लौटा देंगे तो हमारा टूर कंप्लीट। हम चाहें तो एक्सटेंड कर सकते हैं इसका, मतलब बाइक कब तक हमें रखनी है, लेकिन आज ही लौटा रहे ठीक है, कल तैयारी करेंगे निकलने की, वरना अलग से हेडेक पालो कि बाइक लौटा है फिर हम जाएं। अलग ही है तो हमें जल्दी भी निकलना पड़ेगा, इसलिए नहीं कि बहुत दूर है या फ्लाइट छूट जाएगी हमारी, इसलिए क्योंकि होटल्स में ज़्यादातर ये रहता है आपका 11 बजे तक आपको चेकआउट कर लेना होता है, तो 4:10 की हमारी फ्लाइट है, 11 बजे तक चेकआउट करेंगे फिर अपना देखेंगे निकल लेंगे, बैठे रहेंगे और क्या। प्रिंट आउट भी निकलवाना पड़ेगा वेब चेकिंग का, वेब चेकिंग तो हमने कर लिया है, सीट्स हमने चूज कर ली हैं और अब जाके प्रिंट निकाल लेंगे। पता नहीं प्रिंट कंपलसरी है या नहीं, लेकिन हम रिस्क नहीं लेना चाहते, क्या पता वहाँ कहने लगे कि प्रिंट लेके आओ,
उसी में इधर उधर घूमते रहे, इससे अच्छा अभी निकलवा लेंगे। कौन से रास्ते से ही ले आया। ये दोस्तों बड़ा रिस्क लिया हमने, हम लड़ने ही वाले थे, हमने निकाल लिया। एक तो यहाँ दिक्कत ये है, एक तो आगे गाड़ी अपनी, हमको अपनी गाड़ी के थ्रू घेरे रहेंगे, जब निकलो तो स्पीड बढ़ा लेंगे। हमने फटाक से निकाल लिया, यहाँ चला के हम भी थोड़ा ट्रेंड हो गए हैं। यहाँ से हमारा 14 किलोमीटर के आसपास रह रहा है। गाड़ी में बड़ी सावधानी से दोस्तों चलानी होगी। हालांकि इतने दिनों में कुछ हुआ नहीं, लेकिन वापस करने के एक मिनट पहले भी हम चांस नहीं ले सकते कोई भी। कुछ हुआ तो डैमेजेस हमारे मत्थे हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब आपसे आगे ही मिलते हैं, क्योंकि ऐसे तो रास्ते पर चालू रहा तो व्लॉग लंबा हो जाएगा काफ़ी। चलिए दोस्तों चलते हैं। दोस्तों विधानसभा हम आ गए हैं। ये देखिए आप इसका लुक देखिए, इस तरह का आर्किटेक्चर है इसका। द्रविड़ियों ने पहले से स्टाइल मिक्स सब किया हुआ है। ये देखिए और यहाँ सारी सिक्योरिटी बैठी हुई है पुलिस की। चलिए दोस्तों हम यहाँ से निकलते हैं, इस अंदर तो अलाव नहीं कर रहे हैं। ये देख लीजिए आप आसपास का पूरा, अभी यही समझ में नहीं आ रहा दोस्तों जाए कहाँ हम। ये तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा यहाँ वेट कर लेते, रुक लेते हैं कुछ मिनट और देखेंगे कि यहाँ लाइटिंग होती है कि नहीं। अगर होती है तो हम आपको दिखाएंगे, वरना थोड़ा रुक के हम यहाँ से निकल लेंगे, खाएंगे पियेंगे फिर अपनी बाइक लौटा देंगे जाके। ये दोस्तों हमारी बाइक है, हमने इसका रिव्यू भी कर दिया है, तो आप चाहें तो उसका रिव्यू देख सकते हैं, क्योंकि इतने दिन वहाँ पर रेंट पर रही, इसका रिव्यू ना करें तो बेकार है। चलिए दोस्तों थोड़ा वेट करता हूँ। दोस्तों पता नहीं आपको क्लियर आ रहा होगा कि नहीं, ये देखिए इसका पास से लुक हम दिखा दे रहे हैं। एक्चुअली इसकी बाउंड्री के बाहर से शूट कर रहे हैं, जाली के अंदर हाथ डाल के। ये देख लीजिए ये है दोस्तों, ये देखिए आपको हम सामने का व्यू दिखा रहे हैं। ये है चलिए हम सीधे चलते हैं। ये देखिए दोस्तों हम पहुंच गए सामने। ये हल्का सा रोक के यहाँ से आपको दिखाते हैं।
एक बुरा व्यू है दोस्तों, ये तो एक्शन कैमरा से है, हम आपको अपने मोबाइल से दिखाते हैं, पिक भी क्लिक करते हैं यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों, आई होप आपको और सही व्यू मिल रहा होगा यहाँ पर। ये देखिए दोस्तों, लाइटिंग होनी चालू हो गई है और इसमें आपका वही पैलेस स्टाइल में बना हुआ, ऊपर आपका लैंड कैपिटल बनी हुई है, एम्बलम है। ये समझ लीजिए आपका द्रविड़ियन प्लस पैलेस स्टाइल में बना हुआ है, मिक्स्ड आर्किटेक्चर है। देखिए आप। तो दोस्तों, बड़े अफसोस से आज इन्फॉर्म करना पड़ रहा है कि ये इस बाइक से हमारी ये लास्ट राइड है। अभी हम जा रहे हैं न्यू डूपी ग्रैंड रेस्टोरेंट में, वहाँ खाएंगे पियेंगे फिर इसको लौटा देंगे, क्योंकि वहाँ से 1.5 किलोमीटर के आसपास वो रॉयल ब्रदर्स का रेंटल आउटलेट पड़ रहा है जहाँ से हमने बाइक उठाई थी, तो वो फिर वहाँ जाके वापस कर देंगे। अभी बजे हैं 8:30, 9 बजे तक का टाइम है, लेकिन आधे घंटे उनकी तरफ से ग्रेस टाइम भी रहता है, यानी 9:30 बजे तक हम लौटा सकते हैं बाइक को, उससे पहले ही हम ले आएंगे, डिपेंड करता है हमारा ऑर्डर आता जल्दी कि नहीं, पहले खाएंगे फिर लौटाएंगे जाके। वो हमें बाइक रिटर्न करने बाद बरी कर दें अच्छे से, क्योंकि हमने बाइक में कोई मतलब वो डैमेज जरा सा भी नहीं आया, कोई गड़बड़ नहीं हुई, हमारी तरफ से सब क्लियर है, बस ये है कि वो अपनी तरफ से गलती निकालने की कोशिश ना करें बस। खैर, उन्होंने वीडियो बनाया, हमने भी बनाया है, कुछ करेंगे तो हमारे पास तो प्रूफ रहेगा ही। तो इससे हमने जो है अब तक 780 किलोमीटर की राइड की है दोस्तों। जी हाँ, आपने सही सुना, 780। किलोमीटर लगभग हमने चलाए हैं, 1295 यानी 1295 किलोमीटर की लिमिट थी इसमें। ओके बेबी, ओके बेबी, आई विल स्टे राइट एंड विल गो राइट, नाइदर लेफ्ट नॉर रॉन्ग। ये देखे दोस्तों, ये दिक्कत आती है इसमें, 4th से 5th के बीच में ये गियर फंसता है इसका, बाकी उसमें कोई दिक्कत नहीं आई, डिफॉल्ट न्यूट्रल भी हमें फेस नहीं करना पड़ा है, ये कार्ड वर्क करना पड़ा होगा, लेकिन ये ज़्यादा फेस करना पड़ा हमें 4th और 5th गियर के बीच का जो। तो दोस्तों, अभी आपसे वहीं पर मिलते हैं। एज अ बाइकर हमें बेंगलुरु को बाय बाय करना पड़ेगा, चलिए दोस्तों वहीं मिलते हैं। दोस्तों, हम आ गए हैं न्यू डूपी ग्रैंड और यहाँ हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए, उसके बाद गाड़ी वापस करने। 5 मिनट पहले इनका फ़ोन आया रॉयल ब्रदर्स वालों का, तो सर रॉयल ब्रदर्स बोल रहे, तो हमने भी कहा कि हमको याद है, याद दिलाने की जरूरत नहीं, 9 बजे टाइम है, 9:30 तक रेस टाइम है, तो उन्होंने कहा ठीक है सर, ठीक है चलिए हम यहाँ खाते हैं। तो दोस्तों, हमने मंगाया है मंगलुरु बंस और रवा मसाला डोसा। पहले तो हमने रवा मसाला डोसा मंगाया, उसके बाद पूछा मंगलुरु बंस है कि नहीं, खुशकिस्मती से मंगलुरु बंस भी मिल गया यहाँ पे। हमारी किस्मत अच्छी रही, मंगलुरु बंस हमें मिल गया जाने से पहले। हम मॉर्निंग में ट्राई करने सोच रहे ढूंढने के, लेकिन अब हमारी हेडेक ख़त्म, मॉर्निंग जो मिलेगा वो नाश्ता हम कर लेंगे, ये भी हमारा पूरा हो गया, साउथ ट्रिप हमारी लगभग पूरी। तो अभी इसको खाते हैं, फिर रवा मसाला डोसा चलिए खाते हैं। तो दोस्तों, रवा मसाला डोसा भी हमारा आ गया है। तो मंगलुरु बन सच्ची बताएं दोस्तों, बहुत ही मज़ा आ गया, बढ़िया था। नॉर्मल जो बन आती है उसमें पता नहीं क्या क्या पड़ रहा था, ये बिल्कुल ऑथेंटिक लग रही थी, काफ़ी मज़ा आया। अभी हम इसको खाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, खाना हमारा हो गया है, खाना काफ़ी अच्छा था,
और ये देखिए छोटी सी शॉप है ये पान की। मैं थोड़ा स्पाइसी लग गया था, मतलब चटनी वगैरह। तुमने मीठे के लिए पान ले लिया, पान भी अच्छा था, 15 रुपए का पान, 105 रुपए का खाना। ये देखिए प्यारा सा मंदिर और प्यारे से दो हाथी बने हुए हैं। चलिए हम गाड़ी अब लौटाने चल रहे हैं। ये है फाइनली हमारा आखिरी व्लॉग बाइक से। अभी हुआ है 9:05। पहुंच जाएंगे 3-4 मिनट में, बस हमें छुट्टी। तो दोस्तों जिस रोड में हम जा रहे हैं, समझ लीजिए जहाँ यू टर्न आएगा उस अपोजिट वाली सर्विस रोड लेनी है हमको। उसी सर्विस रोड के अंदर जो है इनका आउटलेट है, तो वहाँ जाके लौटा देंगे। सक्सेसफुल इंस्पेक्शन हो जाए बस हम बरी और आज़ाद। फिर से बहुत दिन बाद हमारी ऑटो में राइड चालू हो जाएगी। इस बाइक ने दोस्तों काफी साथ दिया हमारा। हम रॉयल ब्रदर्स वालों ने तो रेंट करते टाइम भी सपोर्ट नहीं दिया, हाथ खड़े कर दिए थे लगभग। हमने हमें पापक परेशान करना पड़ा ऑनलाइन पैसा डालने के लिए, लेकिन पूरा शुक्रिया अदा हमारा इस बाइक को है, जहां हमने चाहा वहां हमें ये ले गई। और हम सफलतापूर्वक पहुंच भी गए थे अपना जहां भी जाना था। अभी यहां से यू टर्न लेंगे आगे से मोड़ के। चलिए दोस्तों बस, ओके बेबी, आई विल बी राइट एंड राइट एज वेल, नाइदर रॉन्ग नाइदर लेफ्ट। जा रहे सीधे हमने पूरा पैसा वसूल किया दोस्तों, एक तरह से आप कह सकते हैं, क्योंकि हम देखे ना 9:30 के बीच में ही लौटा रहे हैं गाड़ी। हमको घूमना था, क्यों जल्दी लौटा के फालतू में हम ओला करते। हाँ गाड़ी लौटाने के बाद ओला करेंगे सीधे होटल जाने के लिए, हमारा सब हो गया है, अब कल निकलने की तैयारी करेंगे। खाना पीना घूमना सब हो गया हमारा, काफी मजा आई दोस्तों। चलिए सीधा आपसे वहीं पे मिलते हैं हम। ये दोस्तों जगह आपको ध्यान आ रही होगी, यही हम आए थे पेट्रोल भरवाने उल्टा हाथ। चलिए वहीं मिलते हैं आपसे। चलिए दोस्तों हम पहुंच गए हैं उनके आउटलेट में, गाड़ी वापस करने चले। निशान सिंह एट को ली थी 11:30। आप देख लीजिए कहीं कुछ डिफेक्ट हो। तो दोस्तों फाइनली हम अपनी बाइक छोड़ के जा रहे हैं, अपनी नहीं मतलब इनकी है, हमारी थी जब तक हमारे पास थी, तो काफ़ी साथ दिया इस बाइक ने। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और इंस्पेक्शन भी हो गया पूरा, हमने डॉक्यूमेंट सब कंप्लीट कर लिए। अब हम यहाँ से करने वाले हैं ओला और उसके बाद होटल में पहुँच के आपसे बात करते हैं और व्लॉग को कंप्लीट करते हैं। तो चलिए बने रहिए इस व्लॉग पे। सो दोस्तों हम आ गए अपने होटल रूम में, अब जो है हम चैन की सांस ले सकते हैं। खुशी भी हो रही है टूर कंप्लीट करके,
दुख भी हो रहा है कि सफ़र यहीं ख़त्म होता है, क्योंकि बहुत सारी यादें हम यहाँ से लेके जा रहे हैं। काफ़ी मज़ा आया दोस्तों, और होप कि आपने भी वर्चुअली एंजॉय किया होगा। खैर उतना तो नहीं किया होगा जितना हमने किया, क्योंकि जो चीज़ आप रियल में एक्सपीरियंस करते हैं वर्चुअली आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वर्चुअली तो हमने भी कई व्लॉगर्स को देखा, टीवी में देखा, कई जगह एक्सप्लोर की हैं, लेकिन रियल में जब आप एक्सप्लोर करते हो तो उसकी फील अलग होती है। हमने ये समझ लीजिए साउथ कर्नाटक पूरा कर लिया है, मंगलुरु उडुपी साइड नहीं हुआ। अगर वो पूरे हो जाते तो समझ लीजिए हमारा साउथ कर्नाटक कंप्लीट हो गया होता लगभग। लेकिन चलिए कोई नहीं, वो कहते हैं ना कि दुनिया गोल है। दुनिया ऐसे तो बड़ी है लेकिन गोल होने की वजह से मतलब उतनी भी बड़ी नहीं है कि हम दोबारा ना आ सकें यहाँ पे। कोशिश हमारी हमेशा रहेगी कि जब समय मिले, जब मौका मिले, हम एक से एक प्लेसेस कवर करेंगे। और ये व्लॉग पता नहीं कितना लंबा हो गया होगा, वो तो हम एडिट करके जब कंपाइल उसको करेंगे अपलोड करने के लिए तब पता चलेगा। तो फिलहाल के लिए इस व्लॉग को यहीं पेंड करते हैं, और कल हम निकलेंगे अपना लखनऊ के लिए। तो 11-12 बजे समथिंग हम यहाँ तक रहेंगे, तो और उसके बाद ओला बुक करके अपना एयरपोर्ट निकल लेंगे। जल्दी पहुँच भी गए तो बैठे रहेंगे, जल्दी पहुँचना वैसे ज़्यादा सेफ रहेगा, क्योंकि यू शुड नेवर मिस अ चांस। कोशिश हमारी रहेगी जल्दी पहुँचे, अगर आप लेट हो जाए तो पछताने का भी मौका नहीं रहता आपके पास। तो अभी हम पैकिंग करके आराम करेंगे, तो इस व्लॉग को यहीं पेंड करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया और बाकी सीरीज़ पसंद आई हो तो इसको और बाकी सबको आप लाइक कीजिए, अगर लाइक ना किया हो। अपने दोस्तों साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। खैर सीरीज़ तो पूरी हो गई है, लेकिन कल का भी व्लॉग बनाएंगे वापस जाने का। तो जब हम घर पहुंच चुके होंगे तब तो हमारा फाइनली सब कंप्लीट हो गया होगा। तो इसी के साथ अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।